नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ प्रेरणा। रक्षाबंधन के पर्व पर सबसे ज्यादा अगर किसी पदार्थ को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो है मिठाई। जी हाँ दोस्तों, मिठाई का सेवन करने से पहले लोग इस बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं कि आखिर वो जिस मिठाई का सेवन कर रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। रक्षाबंधन के दिन अगर आप मिठाइयों का सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आप निश्चित रूप से डॉक्टर के यहाँ जाने पर मजबूर हो सकते हैं। तो आइए, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताए जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप मिठाइयों के कारण होने वाले नुकसान से बचे रह सकते हैं। आपने अक्सर मिठाइयों को खरीदने के लिए अपने घर के आसपास की उन दुकानों को चुना होगा जो काफी मशहूर हैं और उनकी मिठाइयों में क्वालिटी भी होती है। इन सब के बीच आपको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व के लिए मिठाइयों को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, इसलिए इस बात की आशंका काफी हद तक बढ़ जाती है कि उनमें बेकिंग सोडा और कुछ अन्य पदार्थों का इस्तेमाल भी अधिक मात्रा में किया गया होगा। ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं मिठाइयों का अधिक सेवन करने के कारण आपकी पाचन क्रिया पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों, कई प्रकार की मिठाइयों को तैयार करने में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है जो कहीं ना कहीं केमिकल से जुड़ाव जरूर रखते हैं। इनका अधिक मात्रा में किया गया सेवन आपकी पाचन क्रिया को बिगाड़ने के साथ साथ आपके शरीर को भी बीमार बना सकता है। मिठाइयों का सेवन करने के कारण कुछ लोगों को सामान्य तौर पर भी उल्टी और मतली की समस्या परेशान करती है, इसलिए मिठाइयों का अधिक सेवन करने से बचें, क्योंकि उल्टी की समस्या अगर ज्यादा बढ़ गई तो आप डायरिया की चपेट में भी आ सकते हैं और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। खरीदारी करने से पहले आपको ऐसी दुकान चुननी चाहिए जो पूरी तरह से स्वच्छता नियमों का पालन कर रही हो और उनकी मिठाइयों को भी काफी हाइजीनिक रूप से रखा गया हो। आमतौर पर रक्षाबंधन के दिन मिठाइयों को बाहर बड़े बड़े टेबल पर रखा जाता है, लेकिन ऐसे में उन पर संक्रमण का खतरा आपके लिए आफत बन सकता है। इसके अलावा मिठाई लेने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें कि उसमें किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा शो मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।